नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। वो है IVF करा के फेल होने वाले 65% लोग। दोस्तों, हमने क्या ये सोचा है कि जब IVF फेल होता है तो उसके पीछे कोई सॉलिड कारण हो सकता है? मुझे याद है अभी कल परसों ही एक कपल हमारे पास आया था और उससे जब मैंने पूछा कि आपके जो 3 IVF फेल हुए तो डॉक्टर ने आपको क्या रीज़न दिया, और उन्हें आंसर मुझे जो दिया वो बहुत ही हैरानी वाला था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप 100 लोगों के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो सभी तक पहुंचा पाओ, कुछ तक वो नहीं पहुंचता। तो वही आपकी बॉडी के साथ है। हमने 100 लोगों में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया बट वो आपके केस में सक्सेस नहीं हुआ। पर दोस्तों, ये 65% जो फेल होते हैं ये एक बहुत बड़ा नंबर है और उसे आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो उसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका यूट्राइन सिस्टम, क्योंकि जो एम्ब्रियो बनाकर डाला जा रहा है वो आपके यूट्रस के अंदर डाला जा रहा है। तो वो इम्प्लांट होना चाहिए या वो नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, उसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इसके लिए एक यूट्राइन स्कोरिंग सिस्टम होता है। ये यूट्राइन स्कोरिंग सिस्टम के अंदर जो जो पैरामीटर्स आते हैं वो हैं आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस। अगर आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बिलो 10 है और आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो सक्सेस के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। देन यूट्रस की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, तो यूट्रस की कैविटी एनहेंसमेंट हम लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी के जरिए करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार अगर उसमें ज़्यादा समय आ गया है तो बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर एडहेशंस बन जाते हैं और ये एक रिवर्सिबल प्रोसीजर है, बट आयुर्वेद के माध्यम से आप इसको टोटली रिजॉल्व कर सकते हैं। देन जो ब्लो फ्लो है विद इन द वैस्कुलैरिटी, यानी कि आपके यूट्रस का एक एंडोमेट्रियम है, एक मायोमेट्रियम है, यूट्रस के इंटरनल मस्कुलर लेयर्स हैं, अगर उसके बीच का जोन वैस्कुलैरिटी अच्छा नहीं है, नॉर्मल वैस्कुलैरिटी 4 जोन तक रहता है, अगर वो रीचिंग टू जोन 3 नहीं है तो आपका वो IVF फेल होता है। और ऐसे पेशेंट्स में जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें यही है कि जोन वैस्कुलैरिटी अगर बिलो 1 है तो वो नो कंसेप्शन ही रहता है, यानी आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती। जोन 1 से जोन 2 में वो बहुत मिनिमल केसेस में आती है, सो इसलिए जोन 3 होना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, जिसके बारे में हम बहुत बार ध्यान ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट है मायोमेट्रियल इकोजेनेसिटी। बहुत कॉमन हो गया है आजकल एडिनोमायोसिस का इशू, एंडोमेट्रियोसिस का इशू, तो अगर आपका एडिनोमायोसिस का इशू, इट मींस कि वो आपकी मायोमेट्रियम की इकोजेनेसिटी को हैम्पर कर रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसे एडहेशंस बन गए हैं, वहाँ ऐसे मेलफॉर्मेशंस हो रही हैं जो कि ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, और अगर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो वो इम्प्लांटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यूट्राइन आर्टरी का पल्सेशन इंडेक्स, जिसे हम यूट्राइन PI इंडेक्स बोलते हैं, अगर वो अबव 2.6 अबव 2.8 जाता है तो वो नो कंसेप्शन जोन में आता है। तो हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो आपका PI इंडेक्स बिलो 2.8 होना चाहिए, और जो नेचुरल है डेट शुड बी बिलो 2। तो बिलो 2 हमारा अचीवमेंट अगर है तो हम उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा जाते हैं। देन जो मायोमेट्रियल ब्लड फ्लो है इवन डैट शुड बी हेल्दी। अगर एब्सेंट है आपका एंडोमेट्रियल फ्लो और आपके बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, लाइक आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 14 तक भी चली जाती है, आपका PI इंडेक्स ठीक है, लेकिन अगर आपकी जोन वैस्कुलैरिटी अच्छी नहीं है या इन पैरामीटर्स में से कोई भी कंडीशन, स्पेशली आपका PI इंडेक्स या जोन वैस्कुलैरिटी अच्छा नहीं है, तो IVF फेल ही होता है। तो ये वो सबसे बड़ा कारण है जो IVF फेल देता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अगर इसके सॉल्यूशन के लिए बोलें तो आयुर्वेद ने हजारों वर्षों पूर्व ही बोल दिया है कि ऋतु क्षेत्र, यानी कि आपका यूट्रस और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर वो अच्छा है तो आपको कोई इशू नहीं होगा प्रेगनेंसी में, यानी कि गर्भधारण करने में कोई समस्या नहीं आती, और इससे रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं उसका पूरा सॉल्यूशन आयुर्वेदा में दिया गया है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप आशा आयुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।